तो कल से किसी मुखिया के घर में चूल्हा जलना भी बंद हो जाए। चलते हैं जो अपने आप को कायर और विकलांग साबित, कोई बेवफा निकला तो यह चाचा निकला जो वार्ड सदस्यों के साथ बेवफाई। मिथिलांचल की धरती थी जहां अंग्रेज रात को क्या दिन में भी आने से डरते थे, यह हमारे पूर्वजों ने यह कहानी बनाकर दिखाया कि जिन्होंने यह साबित किया और उन्हीं के ललकार पर, उन्हीं के दबाव पर जब हमने पंचायत वार्ड सदस्य की संघर्ष की नींव रखा था, उस नींव में मैंने यह सुपौल के वार्ड सदस्यों से पूछा था कि आप मेरे साथ कितने कदम चल सकते हो। वही समय और एक डेट निर्धारित हुआ था जो इतिहास के सुनहरा अक्षर में लिखा जाता है कि 20 नवंबर वार्ड मेंबरों के लिए ऐतिहासिक दिन। इन्होंने छात्रों पर लाठी चलाया, कभी शिक्षकों पर लाठी चलाया, तो कभी जो भी संस्थाएं के खिलाफ आवाज उठाता है जाके देखिए किसी हॉस्पिटल में आपको आशा वर्कर नहीं मिलेगा, सड़क पर खड़ा होके फरियाद कर रहा है कि मुझे अधिकार दो। हमने उस लड़ाई का संकल्प दोहराने के लिए 13 नवंबर को किशनपुर की धरती से मैंने उस ब्लॉक प्रांगण में इन लोगों से यह शर्त किया था कि मेरा अर्थी क्यों न उठ जाए लेकिन हड़ताल नहीं खत्म होना चाहिए। इन्होंने चट्टानी ताकत की तरह बिहार सरकार के उस दोहरी नीति के खिलाफ 11 दिन भूख हड़ताल पर मेरे साथ डटे रहे, कदम से कदम मिलाकर बिहार सरकार का मुकाबला करने में मेरा साथ निभाया, जिसका नतीजा है कि आज जो पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, अपने आप को सत्ता में रहने की बात करते हैं, आज उनसे पूछ लीजिए कि अब उनकी भी औकात वार्ड सदस्यों के पास में आने की नहीं रही, क्योंकि हम लोगों ने सत्ता को धोखा दिया ही, विपक्ष भी हमारे साथ वही व्यवहार किया जो सत्ता किया करता है। रही कि हम वार्ड सदस्यों की संख्या, हम 1,14,668 व्यक्ति हैं, हमारी पारिवारिक संख्या, कमेटी की संख्या 8,00,000 के करीब है। आप जान लीजिए कि जिस प्रतिनिधि के कैबिनेट की संख्या 8,00,000 हो, उसके परिवार का 5 सदस्य अगर ला दिया जाए तो 40,00,000 हो जाते हैं। साथियों, हमारे बहुत से साथी चर्चा कर रहे थे कि मैं गणेश चौधरी के साथ इस प्रकार से चलना चाहता हूं, मैं गणेश चौधरी के साथ हर कदम पर साथ चलना चाहता हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि गणेश चौधरी तब तक आपके साथ चलेगा जब तक कि आपको अधिकार नहीं मिल जाता है। और रही व्यक्तित्व और प्रश्न चिन्ह का, तो मैं आपको कहता हूं कि सीने पर गोली खाना पसंद करूंगा लेकिन पीछे मुड़ना पसंद नहीं करूंगा। साथियों, हमारी संगठन ने यह तय कर लिया है कि हम किसी के बैसाखी वाले व्यक्ति नहीं है, बैसाखी पर तो वह चलते हैं जो अपने आप को कायर और विकलांग साबित करते हैं। हम वो हैं जो गांव की सरकार चलाते हैं,
लेकिन अपने अधिकार को समझ नहीं पाते। अगर हमने यह तय किया है कि 24 एमएलसी बना के भेजे हैं, तो हम यह भी तय करना जानते हैं कि बिहार में सत्ता कैसे बदली जा सकती है, केंद्र में कैसे सत्ता बदली जा सकती है, उसकी भी रणनीति अगर कोई जानता है तो वो हमारे गांव की सरकार 1,14,000 वार्ड मेंबर जानता है। साथियों, हमने यह तय कर लिया है कि जिसने यह तय किया है कि हम वार्ड सदस्यों की अधिकार छीनकर अपनी बुलंदी की आवाज में निंदगोली खाकर दिल्ली और पटना में राज करेंगे, उन्हें आज इस मंच से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम बिहार को क्या देश में भी नेता राज नहीं रहने देंगे, वोटर राज लाकर रख देंगे। साथियों, यह एक तय सीमा बन चुका है कि हम लोग 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुन के आए हैं। जनता बड़ी उम्मीद के साथ 5 साल के लिए हमें चुनाव में वोट देकर अपना आशीर्वाद दिया था। मैं आपसे एक संकल्प करवाना चाहता हूं कि आज आप एक संकल्प लें कि अगर बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार की बात जहां तक आती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस मनरेगा की बात आज चल रही है वो मनरेगा केंद्र सरकार के अधीन आता है। जिस पंचम वित्त आयोग की बात चल रही है, जिस पर आज मुखिया का की घर का जो चूल्हा जलता है हमारे दस्तखत से, जिस कार्यकारिणी की बात हम लोग अभी कर रहे थे, अगर आज हम अपने कार्यकारिणी में हस्ताक्षर करना बंद कर देंगे तो कल से किसी मुखिया के घर में चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। साथियों, अगर उसकी हिटलर शाही, ताना शाही अगर बिहार सरकार के इस दोहरे नीति से अगर आप पीड़ित हैं, अगर यह चाहते हैं कि जनता आपके नाम पर, वोटर आपके नाम पर ताली बजाए, गाली नहीं बोले, तो आपको आज संकल्प लेना पड़ेगा कि हम वोटर राज लाना चाहते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत को, जो अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, उसमें बिहार से लेकर दिल्ली की सरकार को यह बताना चाहते हैं कि अब की बार वार्ड की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, क्योंकि सरकार को अभी राजगीर के मेला में जाकर ठुमका लगाने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। अगर उनके अंदर में अगर प्यार पनपता है तो वो जिला परिषद के लिए, समिति के लिए, मुखिया के लिए अगर कोई बेवफा निकला तो यह चाचा निकला जो वार्ड सदस्यों के साथ बेवफाई। साथियों, अगर किसी ने अपने आप को नेत में बेईमानी किया, अगर किसी का नेत खराब हुआ, किसी ने अगर दो नीति का, अगर लोग कहते थे बिहार में कि इनकी नियत में वोट है, इनके नियत में पलटी होने का रवैया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन्होंने छात्रों पर लाठी चलाया, कभी शिक्षकों पर लाठी चलाया, तो कभी जो भी संस्था इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जाके देखिए किसी हॉस्पिटल में आपको आशा वर्कर नहीं मिलेगा, सड़क पर खड़ा होके फरियाद कर रहा है कि मुझे अधिकार दो, लेकिन इनके नजर में सिर्फ
इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री जी अंतिम विदाई यात्रा की ओर अपने आप को लगे हुए। लेकिन याद रहे कि जिस जिसने गांव की जनता के साथ, अपने आवाम के साथ, अपने समाज के साथ धोखा दिया है, उन्हें चार कंधा देने वाले व्यक्ति की नजर नहीं आएगा। वार्ड सदस्य से बहिष्कार करता है कि प्यार के कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी क्रियाकलाप में अगर प्यार सरकार के, केंद्र सरकार के अगर अधीन अगर कुलाहट होता है, आम सभा बुलाया जाता है, ग्राम सभा बुलाया जाता है, उसमें भाग नहीं लेगा, तब तक नहीं लेगा जब तक कि वार्ड सदस्यों को 2017 की भांति अधिकार नहीं मिलेगा। पंचायत वार्ड सदस्य अपने मिशन के तहत यह तय कर रखा है कि हमें 2017 की भांति अगर बिहार सरकार पुनः 20 नवंबर से पहले बिहार सरकार एक एक वार्ड मेंबर के खाता में वो वित्तीय राशि जो 2017 में दिया गया था उन्हें पुनः नहीं देता है, तो पंचायत वार्ड सदस्य वोटर की ताकत से दिल्ली की सरकार को यह चेतावनी देगा कि हम आपके 44 के 40 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे और वो 20 नवंबर को ऐलान करेंगे। हम वहां तक ही नहीं तय करेंगे, अगर सरकार मानने और अगर गांव की सरकार को कुचलने का काम कर रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी झंडा, हमारी बैनर यही वार्ड सदस्य रहेगा और बिहार में विधानसभा पर कब्जा करने की आपसे हुंकार भरना है कि जब तक अधिकार नहीं तब तक बिहार को छोड़ेंगे नहीं, अधिकार लेकर ही रहेंगे।